पार्षद मट्टू खटिक ने किया रास्ता बंद। चबूतरा और टीन शेड तोड़ने का आरोप। झाड़ू पोछा का काम करती है महिला। शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संजय कॉलोनी कबीर चौराहे पर सरकारी रास्ते पर पार्षद मट्टू खटिक ने कब्जा कर लिया है। वहीं रास्ते में आने वाले आगे के चबूतरे और टीन शेड को भी तोड़ दिया है। ऐसी शिकायत महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की है। जानकारी के अनुसार मालती शाक की पत्नी राजेश शाक के निवासी संजय कॉलोनी कबीर चौराहा खटिक धर्मशाला के पास ने एसपी को दिया आवेदन में बताया है कि उसके घर के आगे वर्षों पुराना सरकारी रास्ता आने जाने का लगभग 20 फुट का बना हुआ था, जिस पर खटिक समाज के राजू खटिक, मट्टू खटिक, वार्ड पार्षद नंबर 35 मूलचंद्र खटिक सहित अन्य समाज के लोगों ने राजनीतिक दबाव के चलते रास्ते को बंद कर दिया था। और जब इसका विरोध किया गया तो धमकी देते हुए महिला ने बताया कि सभी पर एक समान कार्यवाही होना चाहिए, सभी के अतिक्रमण हटना चाहिए। महिला ने बताया कि 24 मई 2023 को जब मजदूरी करने गई थी तभी घर पर बच्चे और पति थे। तभी राजू खटिक उक्त नगर पालिका प्रशासन के लोगों को लेकर पहुंचे और चबूतरे टीन शेड को तोड़ दिए। घर के आगे अशोक का पेड़, बबूल एवं फलदार वृक्ष थे, उन्हें भी नष्ट कर दिया गया। इसके बाद आज एसपी से शिकायत करके न्याय की गुहार लगाई है। मालती शाख के कहाँ रहती हो? संजय कॉलोनी गुजीपुरा। आज एसपी साहब के पास आयो, किस समस्या लेके आया? सर मेरे को बहुत परेशान किया जा रहा है और मेरे के लिए कि मैं जब भी थाने जाती हूँ तो मेरे को भगा दिया जाता है। और मैं नगर पालिका से भी आदेश लेके आई कि पहले नगर पालिका आदेश आ जाने दीजिए, फिर आपको जो करना कर लीजिए। क्या मामला है पूरा? मेरा सर कई साल वर्ष पुराना मकान है, तो जी खटिकों ने अभी 4 साल पहले जमीन थोड़ी सी ली राठौरों से, उसके बाद उन्होंने धर्मशाला बना ली और धर्मशाला बनाने के बाद वो हमारे ऊपर गुंडागिर्दी करते हैं और हमें परेशान किया जाता है। और अगर हम कुछ भी कार्रवाई करते हैं तो हमारी कार्रवाई रोक दी जाती है। जो कहते हैं मेरे तो हर जगह आदमी बैठे हैं, कलेक्ट्री में बैठे हैं, धर्म उसमें है, नगर पालिका वो बोलते हैं, जो पुलिस वाले भगा खटिक बोलते हैं। खटिक कौन? खटिक पार्षद बोलता है, मट्टू खटिक। हाँ मट्टी खटीक है, उसका भाई राजू खटीक है। कल दादा गिरदी दिखा के पैसों से जीपी गाड़ी लेके आया, उसने मेरे घर से गैर कानूनी भी नहीं था, अगल बगल लेटरिंग बाथरूम बनी है गैर कानूनी, उन्हें नहीं तोड़ा, लेकिन मेरे घर के आगे जो मेरी खुद की जमीन थी उस पैसे उसने मेरी नली मल्ली सब उखाड़ के, और मैंने घर के आगे पेड़ लगाए थे, आम का लगा था, पीपल का लगा था, और क्या कहते बबूल का लगा था, अशोक वाटिका का लगा था। इन लोगों ने उस गाड़ी जीपी गाड़ी से 420 चल के उस गेट को इनने उनने उखाड़ के उसको फेंक दिया। और मैंने जब इनसे कार्रवाई की और पुलिस थाने के कचहरी में मिल जाकर मैंने इनकी रिपोर्ट की, थाने वाली आके हमें मार रही फिजिकल चौकी की। एक नीली ड्रेस वाली थी सर, मैं पढ़ी लिखी तो होने गया, तो नीली ड्रेस वाली कह रही तेरे बच्चे को उठा के क्या गाड़ी के नीचे फेंकूँ क्या, तो अंदर जाने इन लोगों ने धक्का मार के मुझे अंदर कर दिया और गेट लगा के लाते ही लाते दी गेट में। सर मैं क्या कर सकती थी, मैं जब यहाँ पे आई तो मुझसे कही गई कि 3 दिन बाद आना भाई, एसपी साहब अभी मिलेंगे नहीं, तो मैं 3 दिन से इंतजार कर रही, मैं सुख को नहीं आई हूँ। तो आप बता रहे हो कि जमीन किसकी है? ये जमीन मट्टू खटिक ने थोड़ी से खरीदी है, लेकिन मट्टू खटिक ने समाज भाइयों के नाम से ली है। समाज का कोई भी काम नहीं होता, समाज तो सबके लिए होती है, धर्म माना सबके लिए, धर्म तो एक निगाह से देखा जाता है, सिर्फ मेरे लिए गरीब को देखा जा रहा है, एक निगाह से नहीं देखा जा रहा, मेरे को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है। कितने क्या ली थी? कितने ली होगी, थोड़ी सी ली है, मतलब प्लॉट लिया होगा जैसे। तो मैंने आपको क्या समस्या आ रही है? हमारी समस्या जी आ रही है कि इसने हमारी तरफ से गेट निकालने के बाद हमारे घर के यहाँ के टेंट लगा के शादियाँ करता है। मेरे बच्चे पढ़ते लिखते हैं मेरे पास, तो मेरे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते। उसके बाद मेरी बड़ी लड़की है, अभी 12वीं के पेपर दी उसने, इन अभी शादियाँ चल रही थी तो वो पढ़ती, तो वहाँ पर उसका मन नहीं लगता, कहती मम्मी गाना की आवाज़ आ रही, मैं पढ़ नहीं पाती। मेरी दो बच्ची का 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गया क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाती, और बैठने के लिए जगह नहीं है, घर के आगे बैठती हैं तो अभी उदम होता है, घर के अंदर जाते अभी आवाज़ आती है गानों की, क्योंकि मेरा घर पूरा खुला हुआ है,
बहुत आवाज आती है रात की, नहीं अलाउड नहीं, सुबह के 4 बजे तक बजता है। मैं मेरी बच्ची वीडियो भी बना के रखी है, आप क्यों तो मैं वीडियो दिखा सकती क्योंकि कितना उदम करते हैं मेरे साथ। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरे को इंसाफ मिले, कानूनी कार्रवाई सही ढंग से कैसे हो। कहते हैं कि मोदी कह रहा है कि गरीबों के लिए तो मकान, गरीबों के लिए तो बल्कि मोदी बना के दे रहा है, यहाँ पे तो तोड़ा जा रहा है। कहाँ कानून सही चल रहा है, यहाँ पे तो तोड़ा फोड़ी कर रहा है, मारा जा रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा। नगर पालिका ने तोड़ा क्या उन्होंने? नगर पालिका की वोट में मट्टू भैया ने तोड़वाया है, नगर पालिका की वोट ले ली और उनने पर कागजात उनने दिखा कर कुछ भी नहीं दिखाया, मेरे लिए नोटिस भी नहीं दिखाया, मेरे को गैन नोटिस से तोड़ा है उनने, कुछ भी नहीं था उनके पास। हमारे सामने पैसे दिए थे,